एमए ऑनर्स, सॉरी बीए विद ऑनर्स इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है। अगर आपने 1 साल भी पढ़ी हुई है हिस्ट्री, तो आप साथ में आपका मेजर सब्जेक्ट जो इंग्लिश ही बनना है, इंग्लिश ही बनना है, इंग्लिश आप थ्रू आउट एलिजिबल हो, मेजर सब्जेक्ट ये बन गया। अगर आप एमए इंग्लिश करना करनी भी चाहिए, आपको ऑनर पड़ी हुई है एमए इंग्लिश करके, आप पीजीटी के लिए अगर एमए इंग्लिश कर लेते हो, अदरवाइज आप टीजीटी के लिए इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। उसके साथ आपके थोड़ी दिक्कत है कि आप अब हिस्ट्री की तरफ माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हो, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है पंजाबी। बहुत से कम कॉलेज हैं जहाँ ऑनर है, ऑनर के साथ लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज मिलती है, लेकिन कम है। मेरे ख्याल में बी एड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आपने अब प्रेफर करना है कि मेजर इंग्लिश और हिस्ट्री। हिस्ट्री अब आप पढ़ते हो, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो या पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो, तो आपके हिस्ट्री के हिस्ट्री पढ़ी है तो एसएसटी भी माइनर मिल सकता है, माइनर मिल सकता है, जैसे मेरे कॉलेज में अवेलेबल है, क्योंकि 200 सीट्स हैं वहाँ, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ माइनर एसएसटी मिल जाएगा, अदरवाइज मेजर एसएसटी होता है। बहुत से कम, बहुत ज़्यादा कम कॉलेज हैं जहाँ पर माइनर एसएसटी है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है कॉलेज, और दूसरी है कि आपको बाद में अगर ये लेते हो तो हिस्ट्री के साथ आपको बीए का एक एडिशनल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ही, अगर आप वहाँ के हो, है ना, तो साथ साथ में बीएड के देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस से, यही इजी रहेगा। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी नहीं दे सकते। हिस्ट्री का बेनिफिट ये है, आप केंद्रीय विद्यालय के लिए और नवोदय विद्यालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब सीबीएसई के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो रहे हो, अगर आपने दूसरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का एडिशनल कर लेते हो तो। पंजाबी करते हो तो पंजाबी का आपको एडिशनल देना इलेक्टिव का ही पड़ेगा, हर हालत में पड़ेगा। तो इसका देते हो तो आपको साथ में, अगर 3 साल ये बनते हैं, साथ में आपको ये देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में इसकी भी दिक्कत हो सकती है, अगर आपने ये 1 साल पढ़ा है हिस्ट्री, 1 साल पढ़ा है, तो आपको एसएसटी के हिस्ट्री का भी एडिशनल पेपर देना पड़ेगा बीए का, ठीक है। 2 साल पढ़े हैं तब भी देना पड़ेगा हिस्ट्री का, 3 साल का सर्टिफिकेट चाहिए, आपने एज इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है तो बेनिफिट है। तो इट मीन्स आपका एक ही कॉम्बिनेशन बेस्ट बनता है इंग्लिश। उसके बाद अगर ये सोचते हो प्रेफरेंस नॉलेज इंटरेस्ट किस में है, उसमें जा सकते हो। इसमें एसएसटी में 2 आपको साइंसेज करनी पड़ेगी, है ना, अगर ये 3 साल नहीं है तो 2 करनी पड़ेगी, अगर 3 साल है तो 1 करनी पड़ेगी। अगर पंजाबी में आप इंग्लिश पंजाबी लेते हो तो आपको सिर्फ इलेक्टिव पंजाबी करनी पड़ेगी बीए में, और आप इंग्लिश और पंजाबी की गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। थैंक यू।